हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस वन। आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केबल्स, या फिर इसको कह सकते हैं सस्पेंशन ब्रिजेस। इसमें एक और चीज आता है जो कि थ्री हिंज स्टिफनिंग गर्डर, लेकिन वो हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उसका अलग सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग सस्पेंशन ब्रिज में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन ब्रिज। सबसे पहले इसके हर एक कंपोनेंट जान लो कि होता क्या क्या है। तो सस्पेंशन ब्रिजेस में सबसे पहला जो ये केबल रहता है, जो कि हमारे दोनों टावर के बीच का जो केबल होता है, उसको कहते हैं सस्पेंशन केबल। सस्पेंशन केबल, ठीक है। और यहाँ पर दोनों साइड में जो केबल रहते हैं वो होता है एंकर केबल। ठीक है, दोनों साइड में जो केबल होते हैं वो होते हैं एंकर केबल। और जहाज से आपकी गाड़ियां चलती है, इसके ऊपर से आपकी गाड़ियां चलती है, उसको कहते हैं डेकिंग। डेकिंग, और ये जो सस्पेंशन केबल और डेकिंग को जो पकड़ के रखता है उसे कहते हैं सस्पेंडर्स। ठीक है, ये सब ये हो गए आपके सस्पेंडर्स। इसको सस्पेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों साइड से ये टेंशन में है। देखो, ये केबल भी इसको ऊपर साइड खींचेगा और ये डेकिंग भी इसको नीचे साइड खींचेगा। अगर हम लोग एक रबर बैंड का एग्जांपल ले लें, तो रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे दोनों साइड से, तो फिर केबल अपने आप को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। तो फिर वैसे ही ये है, इसको सस्पेंशन केबल ऊपर से खींच रहा है और जो डेकिंग है उसको नीचे से खींच रहा है। तो ये केबल दोनों तरफ से टेंशन में है। इसलिए आप देखेंगे जब हम लोग सेंटर की तरफ जाएंगे तब हमें सेंटर पे टेंशन मिनिमम मिलेगा, और जैसे हम सेंटर से दूर आते जाएंगे हमें जो टेंशन है वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, वो चीज आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, वो चीज आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। टेंशन विल बी मैक्सिमम, टेंशन विल बी मैक्सिमम ऑन कॉर्नर एंड टेंशन will be minimum on center। ठीक है, center पे minimum होगा और corner पे maximum होगा। यहाँ तक clear है? यहाँ पर जो ये आपका होता है दोनों tower के बीच में, वो होता है हमारा, ये है हमारा total span length, total span जिसका लेंथ होगा कैपिटल एल। और जो स्पैन लेंथ, जो हमारे जो न्यूट्रल एक्सिस, अगर इसको हम कंसीडर करें स्पैन लेंथ को, वहां से जो नीचे तक डिस्टेंस होता है इसको स्मॉल डी से भी बोला जाता है, या फिर इसको कहते हैं डिप। अगर क्वेश्चन में आपको डिप की वैल्यू दी है, मतलब आपको स्मॉल डी गिवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको दो तरीके के सपोर्ट यहाँ पर मिल सकते हैं, एक पुल्ली और एक रोलर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पुल्ली और क्या होता है रोलर। अगर देखिए ये कि पुल्ली, पुल्ली मतलब आपने प्रैक्टिकल के समय पढ़ा ही होगा पुल्ली क्या होता है। मतलब अगर आपने पुल्ली देखा भी होगा, कुएं में से जब पानी खींचते हैं तो वहां पर एक व्हील लगा होता है, तो व्हील के दोनों साइड पे रस्सी एक साइड से नीचे जाती है और एक साइड से आप खींचते हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम केस है, तो उसी डायरेक्शन में एक, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर ऊपर पुल्ली लगा है तो यहाँ पर जो होगा वो आपका एंकर होगा, एंकर, और इस साइड आपका सस्पेंशन केबल होगा। तो मैं उसको एस सी लिखता हूँ, मतलब सस्पेंशन केबल। ये हो गया आपकी पुल्ली। वैसे एक और केस यहाँ पर मिल सकता है, जहां पर आपको टावर के ऊपर, ये आपका टावर है, इसके ऊपर आपको रोलर सपोर्ट मिले। रोलर, आपको मैं फर्क समझाता हूँ रोलर और पुल्ली में क्या फर्क है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वैसे ही है, ये एंकर केबल है, एसी लिख रहा हूँ मतलब एंकर केबल, और ये एससी लिख रहा हूँ मतलब समझ जाए सस्पेंशन केबल। फर्क क्या है देखिए, मान लो अगर ये जो पेन है ये आपका है पुल्ली, पुल्ली क्या होता है एक जगह पर फिक्स्ड होता है, पुल्ली मूव नहीं करेगा, उसके साइड से केबल इस साइड भी जाएगा, केबल इस साइड से भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, दोनों साइड से केबल मूव करेगा, जिसके कारण दोनों साइड से जो टेंशन लगेगा वो इक्वल होगा, दोनों साइड से टेंशन लगने वाला टी इक्वल होगा।
लेकिन रोलर के केस में कैसा होगा, मान लीजिए ये रोलर है, लेकिन ये रोलर ना फिक्स नहीं होता है, ये अगर ये केबल है, अगर ये केबल इस साइड में जाएगी तो उसके कारण आपका रोलर भी थोड़ा मूव होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, रोलर भी ऐसे ऐसे मूव होगा, तो उसके कारण जो यहाँ पर टेंशन लग रहा है, अगर यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है तो फिर यहाँ पर टेंशन लगेगा T1, दोनों टेंशन इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर हमें ये टेंशन कैलकुलेट करना है तो क्योंकि ये एक सर्टन एंगल पर है तो हम लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसके हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए होंगे, इसको भी हम लोग दे देते हैं, वर्टिकल यहाँ पर और हॉरिजॉन्टल यहाँ पर, इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिसके साथ थीटा होता है, अगर ये देखिए इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ का जो थीटा होगा वो आपको गिवन होगा, ये अल्फा इस साइड होगा, अल्फा इस साइड होगा थीटा, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग होते हैं, दोनों एंगल कभी भी सेम नहीं होते। वैसे अगर यहाँ पर हम लोग नॉर्मल लाइन बनाए तो यहाँ से आपको एक थीटा मिलेगा और यहाँ पर आपको एक अल्फा मिलेगा, दोनों एंगल डिफरेंट होते हैं, इसलिए एक का नाम हम लोग थीटा देते हैं और एक का नाम हम लोग अल्फा देते हैं। तो फिर यहाँ पर जो लगेगा, देखिए जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस का टर्म होगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। वैसे जिसके साथ एंगल है ये हो जाएगा कॉस का टर्म टी कॉस थीटा और ये जिसके साथ एंगल नहीं है वो होता है साइन का टर्म, तो फिर ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी टी कॉस थीटा समझ लेना। वैसे इस केस में भी थीटा जिसके साथ है तो ये हो जाएगा T1 cos थीटा और ये हो जाएगा T1 sin थीटा। उसी केस में जिसके साथ एंगल है वो cos का टर्म होगा और जिसके साथ एंगल नहीं है वो sin का टर्म होगा, लेकिन ये T sin थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर T डिफरेंट होता है, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, रोलर में दोनों साइड में लगने वाला टेंशन अलग अलग होते हैं। तो अगर हमें ये टेंशन कैलकुलेट करना है तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, जो हमारा पुल्ली है उसके लिए बताता हूँ, फिर आपको रोलर की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर हम पुल्ली के लिए देखेंगे, सबसे पहले पुल्ली के लिए देखते हैं, तो पुल्ली के लिए जो वर्टिकल लगेगा, ठीक है, वर्टिकल देखते हैं, तो वर्टिकल एक लग रहा है टी साइन डेटा, एक लग रहा है टी साइन अल्फा, तो यहाँ से अगर मैं टी कॉमन ले लूँ तो एक लग रहा है साइन डेटा और एक लग रहा है साइन अल्फा, ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल। अगर इसी केस में आप हॉरिजॉन्टल के लिए देखेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए तो एक डायरेक्शन में लग रहा है टी कॉस थीटा और एक दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है टी कॉस अल्फा, तो दोनों डायरेक्शन अलग है, अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं टी कॉस थीटा को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, हम लोग राइट से लेफ्ट को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें लेफ्ट से राइट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ से हम लोग टी अगर कॉमन लेंगे तो टी बाहर आ जाएगा और ये होगा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इस तरीके से। अभी चलते हैं हम लोग रोलर की तरफ, ये पुल्ली का था, अब हम लोग रोलर का देखते हैं। रोलर के लिए हमेशा वर्टिकल ही आता है, रोलर में हॉरिजॉन्टल लोड्स नहीं आते, हॉरिजॉन्टल लोड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो रोलर में सिर्फ वर्टिकल लोड्स आते हैं। तो वर्टिकल लोड्स कौन सा आ रहा है, एक आ रहा है T1 साइन थीटा, एक आ रहा है T1 साइन थीटा और दूसरा है T साइन अल्फा प्लस T साइन अल्फा, ठीक है, इस तरीके से ये है आपके वर्टिकल, हमेशा इसमें वर्टिकल ही आता है, रोलर में कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप एक लिख भी सकते हो नोट कि रोलर, क्योंकि रोलर फ्रिक्शनलेस होता है, रोलर इज फ्रिक्शनलेस, रोलर हमेशा फ्रिक्शनलेस होता है, देयर फोर शुड नॉट कंसिडर हॉरिजॉन्टल
लोड्स, और उसी के कारण से देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट विल नॉट अकर एट टॉप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड नहीं होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर रोलर करूँ तो हॉरिजॉन्टल लोड इस साइड भी नहीं होगा, इस साइड भी नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल नहीं होने के कारण बेंडिंग मोमेंट, नो बेंडिंग मोमेंट विल अकर ऑन टॉप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है रोलर के लिए। रोलर में कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं आएंगे। एक और चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से मैं दे दूँ। यहाँ पर क्योंकि ये इसको नीचे प्रेस करेगा तो यहाँ पर एक वर्टिकल लगेगा, जो कि होगा, अगर इसको हम नाम बी दे दें, ये बी दे दें और इसको ए दे दें, तो यहाँ पर रिएक्शन एट बी लगेगा और यहाँ पर लगेगा रिएक्शन एट ए। ठीक है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल भी लगेगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए एच। ये एच की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसलिए एच की वैल्यू इक्वल होगी। अब एच इसमें आउटवर्ड क्यों है वो समझ लीजिए। देखिए, जब हमने आर्च के लिए पढ़ा था, आर्च में कैसा था, आर्च में इस डायरेक्शन में हमारा आर्च होता था। आर्च में अगर लोड सेंटर पे लग रहा है तो ये दोनों बाहर की तरफ जाते थे, इसलिए हमारा एच इनवर्ड लगता था। आपकी केस में कैसा है, आपकी केस में हमारा केबल इस डायरेक्शन में, कि केबल की केस में लोड अगर नीचे लग रहा है तो केबल दोनों साइड से अंदर आने की कोशिश करेगी, और क्योंकि ये अंदर आएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए बाहर की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूँ टी मैक्स का और टी मिनिमम का, जो आपको काम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक फॉर्मूला नोट कीजिए, टी मैक्स, टी मैक्स का फॉर्मूला अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो आर ए की वैल्यू होगी वही इक्वल्स टू आर आर बी की वैल्यू होगी। ठीक है ना, रिएक्शन इक्वल होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल बीम है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन इक्वल आएंगे। और आर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करो तो आपको टी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, टी मैक्सिमम टी। और टी मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू होती है आपकी एच की वैल्यू। ठीक है ना, तो इतने ये दो फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है, एक टी मैक्स का फॉर्मूला और एक टी मिनिमम का फॉर्मूला। जो आपका टेंशन लगता है वो टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, जो आप जिस डायरेक्शन में आपका केबल जा रहा है उस डायरेक्शन में। ठीक है, ये होगा टी मैक्स, ये भी होगा टी मैक्स। ठीक है ना, टी मिनिमम एच क्यू होगा, क्योंकि देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर सेंटर की तरफ आएंगे, ठीक है, अगर हम इसको सेंटर की तरफ आते हैं तो सेंटर की तरफ जब हम लोग आरबी देखेंगे तो आरबी यहाँ पर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई यूडीएल होगा, तो यूडीएल और आरबी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यूडीएल का लोड और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जो एच इस डायरेक्शन में जा रहा है वही एच इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इसलिए जहां पर टी मिनिमम होता है, टी मिनिमम हमारा हमेशा सेंटर पे होगा, सेंटर पे टी मिनिमम जो होगा वो हमेशा एच की वैल्यू आएगी। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।